तो गाइस मैं आनंद आपका स्वागत करता हूँ सरवाटा के एक नए जानदार शानदार धातु एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हमें टीवी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के समय टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, कंपटीशन इतना टाइट हो गया है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें कौन सा टीवी लेना है। 32 लेना है, 43 लेना है, 55 लेना है या उससे ऊपर लेना है, नॉन स्मार्ट लेना है, स्मार्ट लेना है, 4K लेना है, HD लेना है, HD रेडी लेना है। ओ माय गॉड, इतनी कन्फ्यूजन्स है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लें कौन सा ना लें। तो आज मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपकी कन्फ्यूजन हो जाएगी दूर। लेकिन अगर आपके मन में भी ऐसी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कन्फ्यूजन मैं आपके अक्सर वीडियोज़ में दूर करता रहता हूँ। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सरोवर टेक का एक नया जानदार शानदार और धासु एपिसोड। तो गाइस आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से चेंज हो रही है कि अगर आपको या स्मार्टफोन लेते हैं तो अगले 1 से 1.5 साल तक वो आपको आउटडेटेड लगने लगता है। लेकिन यार टीवी के साथ ऐसा सीन नहीं है। जब हम टीवी खरीदते हैं, कोई LED लेते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये हमें एक लंबे लॉन्ग रन के लिए हमें चाहिए और कम से कम 5 से 10 साल तक हमारे साथ अच्छे से निभाए। लेकिन अगर हम आज ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं या कोई गलत प्रोडक्ट उठा लेते हैं मार्केट से, तो बाद में हम रिग्रेट करते रहते हैं कि यार ये नहीं लेते वो ले लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो आप बाद में रिग्रेट ना करें, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए आज मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको एक स्मार्ट टीवी लेना चाहिए या नॉन स्मार्ट टीवी लेना चाहिए। तो गाइस बात करते हैं स्मार्ट टीवी या नॉन स्मार्ट टीवी। जो स्मार्ट टीवी और नॉन स्मार्ट टीवी का प्राइस का वेरिएंस था वो पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आज की डेट में वो बिल्कुल कम हो गया है। अगर आप सेम स्क्रीन साइज़ यानी 32 या 43 इंच में स्मार्ट टीवी और नॉन स्मार्ट टीवी देखते हैं तो आपको 1-1.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाल के स्मार्ट टीवी मिल सकता है नॉन स्मार्ट के अलावा। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप लोग सिर्फ सेटअप बॉक्स यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिन्हें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं है, सिर्फ सेटअप बॉक्स से टीवी देखना है, चैनल चलाया, ऑन किया और बंद कर दिया, तो उनके लिए नॉन स्मार्ट टीवी काफ़ी बेटर ऑप्शन है। लेकिन आप लोग अगर OTT सर्विसेज ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा कंटेंट ऑनलाइन कंटेंट ज़्यादा स्ट्रीम करते हैं, तो आपके लिए जो स्मार्ट टीवी है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो गाइस बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के अपने अपने अलग अलग OS हैं, जैसे कि सैमसंग टाइजन को यूज़ करता है, LG वेब OS को यूज़ करता है, व्यू में आपको जो ओपेरा सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, ऐसे और कंपनियों के बाकी अपने अपने OS हैं। लेकिन यार मैं आपको बताऊं कि आज की टाइम में दी बेस्ट OS है वो है आपका एंड्रॉयड। जी हाँ, एंड्रॉयड टीवी आते हैं, आप सबको पता है। एंड्रॉयड टीवी में आपको जो ऐप कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जबकि आप कंपेयर करते हैं किसी और OS के साथ तो वहाँ जो कॉन्टेंट जो ऐप्स हैं जो वो सब लिमिटेड हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर लेते हैं तो एंड्रॉयड टीवी ही प्रेफर करें। गाइस आज के टाइम में जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि हमें कौन से स्क्रीन साइज़ का टीवी अपने घर के लिए लेना चाहिए। देखिए एक दो थंब रूल हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले लोग कहते हैं कि जितना बड़ा है उतना बेहतर है, लेकिन टीवी के साथ ऐसा केस नहीं है भाई। जितना बड़ा है उतना कॉस्टली है, तो हमें एक समझदारी वाला डिसीजन लेना है कि हमें अपने घर के लिए कितने इंच का टीवी चाहिए। तो जो थंब रूल है वो ये है कि यार जहाँ पे आप बैठते हैं और जिस वॉल पे आपने टीवी लगाना है उसके बीच का जो आपने डिफरेंस है वो मेज़र कर लेना है, प्लस उसको आपने 3 से डिवाइड कर दें। यानी सपोज़ 120 सेंटीमीटर का आपका वेरिएंस है, आपका डिफरेंस है, दूरी है, तो उसको आप 3 से डिवाइड करें तो आपको मिनिमम साइज़ मिल जाएगा जिस साइज़ का आपको टीवी लगाना चाहिए। और अगर आप मैक्सिमम साइज़ जानना चाहते हैं तो उसमें आप उसे जो डिफरेंस है बीच में आपका उसको आप 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आपका मैक्सिमम साइज़ आ जाएगा कि आपको दीवार पे कितने बड़े साइज़ का टीवी आप लगा सकते हो। और कुछ स्टैंडर्ड साइज़ जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे दूँगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम आप कितना साइज़ का टीवी में कितना जो डिफरेंस है व्यूइंग का वो रख सकते हैं। तो गाइस अब बात आती है कि आपको 4K लेना चाहिए या फुल HD। तो डियर बात सिंपल सी है, ये सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, जो 43 इंच का टीवी लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप 43 से ऊपर जाते हैं तो सारे पैनल आपको 4K ही मिलेंगे, और आप 43 से नीचे आते हैं तो सारे पैनल आपको HD रेडी ही मिलेंगे। तो गाइस अगर आप 43 इंच का टीवी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 4K और फुल HD में ज़्यादा वेरियंस या डिफरेंस नहीं मिलेगा प्राइस में, आपको सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस होगा। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप 2-3 हज़ार रुपये डाल के 4K टीवी की तरफ जाएँ, क्योंकि 4K पैनल फुल HD पैनल से काफ़ी बेहतर और पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लगती है। तो 4K आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका बजट कम है तो फुल HD आपके लिए बेकार है। फुल HD भी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ मिलेगा, लेकिन अगर आप
4K से कंपेयर करें तो 4K ज़्यादा बेटर और आई कैचिंग जो पिक्चर क्वालिटी है वो प्रोड्यूस करता है फुल HD से। तो गाइस बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो जितनी इंपॉर्टेंट हमारी पिक्चर क्वालिटी है उतनी ही इंपॉर्टेंट साउंड क्वालिटी है, क्योंकि बिना साउंड के वो जो हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो उतना बढ़िया नहीं होता है। वैसे नॉर्मली टीवी में आपको उतनी अच्छी साउंड नहीं मिलती है, लेकिन हाँ कुछ टीवी हैं जो साउंड बार के साथ इनबिल्ट साउंड बार के साथ आते हैं, जैसे नोकिया का है, JBL की आती है, वन प्लस का कुछ एक आधे टीवी हैं जिनमें इनबिल्ट आपको साउंड बार मिलती है, लेकिन उसके अलावा बाकी टीवी बिल्कुल नॉर्मल साउंड के साथ आते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कोई ना कोई ज़रूर साउंड बार ज़रूर यूज़ करें अपनी साउंड जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाने के लिए। हालांकि साउंड बार ज़्यादा महंगे नहीं आते, 5-10 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं, और जो अच्छी कंपनीज़ हैं सैमसंग का है सोनी का है तो वो 10 हज़ार से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप कौन से प्रोडक्ट के साथ जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप अपने टीवी के साथ एक अच्छा साउंड बार ज़रूर यूज़ करें। तो गाइस अब बात आती है कि हमें कौन से ब्रांड का टीवी लेना चाहिए। तो यार मैं बता दूं, आज के टाइम में बहुत सारा कंपटीशन हो गया है और काफ़ी सारे ब्रांड्स जो हैं वो कूद चुके हैं टीवी इंडस्ट्री में, MI, OnePlus और आपका Realme। ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि टीवी इंडस्ट्री में कूदेंगे, लेकिन इनका भी आज की डेट में प्रोडक्ट्स आ गए हैं। लेकिन बात करें दी बेस्ट की, तो सोनी, सैमसंग और LG ही आज की डेट में दी बेस्ट हैं टीवीज़ में। लेकिन यार व्यू जैसी कंपनी भी है जो इनको एक कड़ा कंपटीशन दे रही है। तो यार ये आपकी डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आपका बजट कितना और किस कंपनी के साथ आप जाना चाहते हैं, आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है। तो गाइस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको आपके कोई फ्रेंड है जिसको कंफ्यूजन है टीवी लेने में तो प्लीज़ ये वीडियो उनका शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बाकी बने रहें, देखते रहें सरोटेक, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।